तो स्टार्ट करते हैं एनटीए टेस्ट 16 का बायो से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, द टर्म बायोडायवर्सिटी वाज गिवेन बाय। ऑप्शन ए एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, बी एडवर्ड विल्सन, सी डेविड तिलमान, डी पॉल इनरिक। और करेक्ट आंसर इज बी एडवर्ड विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, जेलीज एंड फोम्स आर यूज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू इन्हांस इट्स इफिशियंसी। ए वॉल्स, बी वासेक्टोमी, सी क्वाइटस इंटरप्टस, डी आईयूडीएस। एंड द करेक्ट आंसर इज ए वॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑब्टेंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। ए वाइन, बी विस्की, सी ब्रांडी, डी रम। एंड द करेक्ट आंसर इज ए वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाई। ए गर्डिंग एक्सपेरिमेंट, बी मास फ्लो हाइपोथेसिस, सी रूट प्रेशर हाइपोथेसिस, डी कोहेजन टेंशन थ्योरी। एंड द करेक्ट आंसर इज ए फर्स्ट, गर्डिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, स्टडी द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए पॉपुलेशन, बी कम्युनिटी, सी इकोसिस्टम, डी इकोस्फेयर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड असेंबलेंस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज अकरिंग इन एरिया। थ्री ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। फोर्थ इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिम्स एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स। फिफ्थ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिम्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, डी ए थ्री, बी टू, सी फोर, डी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, स्ट्रेस साइकिल इज सीन इन ए डॉग्स, बी एप्स, सी टाइगर, डी मोर देन वन। ऑप्शन इज करेक्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, टाइगर एंड डॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, ह्यूगो डिवेरिस डिस्क्राइब हिज म्यूटेशन थ्योरी ऑन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन व्हाइल वर्किंग ऑन ए स्वीट पी, बी फ्रूट फ्लाई, सी इवनिंग प्राइमरोज, डी गार्डन पी। एंड द करेक्ट आंसर इज थ्री, इवनिंग प्राइमरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, वन स्ट्रैंड ऑफ द गिवन सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड्स फॉर एमआरएनए हैविंग द सीक्वेंस ए यू सी जी सी जी यू सी ए नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। द स्ट्रैंड बाय विच डीएनए मॉलिक्यूल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबव एमआरएनए सीक्वेंस इज। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, टी ए जी सी जी सी ए जी टी एंड ए टी सी सी जी सी जी एंड टी सी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स कुड रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय। ए जॉन आइगन हाउज, बी रॉबर्ट मेयर, सी मेलविन कैल्विन, डी ब्लैकमैन। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, जॉन इंगेज हाउज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एवास्कुलर टिश्यू। ए कनेक्टिव टिश्यू, बी इपिथेलियल टिश्यू, सी मस्कुलर टिश्यू एंड डी नर्वस टिश्यू। एंड द करेक्ट आंसर इज बी इपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट चीफ पॉलिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आर ए बटरफ्लाईज, बी बीज, सी मॉस, डी बीटल्स। एंड द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, बायो फर्टिलाइजर्स इंक्लूड ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बी नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, सी बोथ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, डी बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोराइजल फंजाई। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोराइजल फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज शुगर एंड इट इज कन्वर्टेड ए इंटू स्टार्च इन आवर प्लांट्स, बी इंटू प्रोटीन्स, सी इंटू विटामिन्स, डी रेयरली इंटू एनी थिंग एल्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, इंटू स्टार्च इन आवर प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, द वायरस दैट क्रिएटेड अ स्केयर इन द कंट्री एंड ड्रास्टिकली अफेक्टेड एग एंड चिकन कंजप्शन इज। ए एच पी वी, बी हिपेटाइटिस वायरस, सी बर्ड फ्लू वायरस, डी हर्पिस वायरस। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, बर्ड फ्लू वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म ए पायरुवेट, बी एन ए डी पी, सी डी पी एन,
DATP एंड द करेक्ट आंसर इज DATP. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज्ड इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय द बॉडी टिश्यू. दिस ओ टू ए हेल्प्स इन रिलीजिंग मोर ओ टू टू द एपिथेलियल टिश्यू. बी इट इज एनफ टू कीप ऑक्सीहीमोग्लोबिन सेचुरेशन एट 96%. सी रेज द पी सी ओ टू ऑफ ब्लड 275 मिलीमीटर ऑफ ए जी. डी एक्ट एज ए रिवर्स रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज. एंड द करेक्ट आंसर इज डी एक्ट एज अ रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. इन प्लांट डैश पोटेंशियल इन द वाटर कॉलम इन द जाइलम प्लेज अ मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट अप अ स्टेम. ए पॉजिटिव प्रेशर बी नेगेटिव प्रेशर सी पॉजिटिव वाटर डी नेगेटिव वाटर. एंड द करेक्ट आंसर इज बी नेगेटिव प्रेशर. क्वेश्चन नंबर 18. कंपोजिशन ऑफ सीमेन इज ए स्पर्म्स बी सिक्रेशंस ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स डी सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स डी ऑल ऑफ द एबव. एंड द करेक्ट आंसर इज सी सिक्रेशंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो करेक्ट आंसर इज डी सॉरी डी ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ बोन्स इन द ईयर ऑसिकल्स ऑफ अ मैमल स्टार्टिंग फ्रॉम टिम्पैनम इनवर्ड्स. ए मैलियस इनकस स्टेपस बी मैलियस स्टेपस इनकस सी इनकस मैलियस स्टेपस डी स्टेपीज इनकस मैलियस. एंड द करेक्ट आंसर इज ए मिस मैलियस इनकस स्टेपस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. ए ह्यूमिफिकेशन बी कैटाबोलिज्म सी फ्रेगमेंटेशन ऑफ डिट्राइटस डी लीचिंग ई मिनरलाइजेशन. एंड द करेक्ट आंसर इज सी सी डी बी ए ई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. द कर्व गिवन बिलो शोज एंजाइमेटिक एक्टिविटी विद द रिलेशन टू थ्री कंडीशंस पीएच टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन. व्हाट डज द टू एक्सिस एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट. एंड द करेक्ट आंसर इज बी एक्स एक्सिस टेम्परेचर एंड वाई एक्सिस एंजाइमेटिक एक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. टू सेल्स ए एंड बी आर कॉन्टिजुअस. सेल्स ए हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 10 atm टारगेट प्रेशर 7 atm एंड डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट 3 atm. सेल बी हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 8 atm टारगेट प्रेशर 3 atm एंड डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट 5 atm. द रिजल्ट विल बी ए नो मोमेंट ऑफ वाटर बी इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू सी मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल ए टू बी डी मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल बी टू ए. एंड द करेक्ट आंसर इज सी मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल ए टू बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया ए टेंड्स टू फॉलो अ सिग्मॉइड कर्व एज इन केस ऑफ मेनी अदर एनिमल स्पीसीज. बी टेंड्स टू रीच अ जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ एज इन केस ऑफ सम एनिमल स्पीसीज. सी कैन बी रिड्यूस्ड बाय परमिटिंग नेचुरल क्लेमिटीज एंड इन्फोर्सिंग बर्थ कंट्रोल मीजर्स. डी कैन बी रेगुलेटेड बाई फॉलोइंग द नेशनल प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग. एंड द करेक्ट आंसर इज डी ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया कैन बी रेगुलेटेड बाई फॉलोइंग द नेशनल प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. म्यूल इज अ क्रॉस ब्रीड बिटवीन ए मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स. बी फीमेल डंकी एंड मेल हॉर्स सी मेल म्यूल एंड फीमेल हॉर्स डी नन ऑफ द दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. इन ह्यूमन फिटस द हार्ट बिगिंस टू बीट एट डेवलपमेंट एज ऑफ ए 4th to 5th week बी 1st to 2nd week सी 6th to 7th week डी 8th to 9th week. एंड द करेक्ट आंसर इज ए 4th to 5th week. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स. ए टर्शियरी ट्रीटमेंट बी सेकेंडरी ट्रीटमेंट सी प्राइमरी ट्रीटमेंट डी स्लज ट्रीटमेंट. एंड द करेक्ट आंसर इज सी प्राइमरी ट्रीटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टैक्सोनॉमिक एड्स. ए
इज बेस्ड ऑन सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नोन एज कपलेट, बी देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम फॉर द अरेंजमेंट ऑफ हर्बेरियम सीड्स, सी फ्लोरा कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया, डी मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन, एंड द करेक्ट आंसर इज बी देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम फॉर द अरेंजमेंट ऑफ हर्बेरियम सीड इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली टेक्स प्लेस इन ए हायर एनिमल्स, बी लोअर एनिमल्स, सी प्लांट्स, डी ऑल द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज बी लोअर एनिमल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. जीटोनोगेमी डज नॉट अकर इन ए डायोसिस प्लांट, बी मोनोसिस प्लांट, सी बोथ ऑफ द अबव, डी इट अकर्स इन ऑल द प्लांट्स, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट डायोसिस प्लांट. जीटोनोगेमी डज नॉट अकर इन डायोसिस प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. इन ह्यूमंस द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कॉल्ड फेसेज आर टेम्पोरली स्टोर्ड इन ए रेक्टम, बी कोलोन, सी सिकम, डी क्लोएका, एंड द करेक्ट आंसर इज रेक्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मीजोजोम्स. ए इट मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिला, बी इट हेल्प्स इन सेल वॉल सीक्रेशन, सेल रिस्पायरेशन, डी इन रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, सी इट इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया ऑफ द सेल वॉल एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, डी इट कंटेन्स ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स. व्हिच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर ट्रू? ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी डी, ए बी सी डी, एंड द करेक्ट आंसर इज सी ए बी डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. द इलेक्ट्रॉन दैट आर रिमूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट ड्यूरिंग जेड स्कीम मस्ट बी रिप्लेस्ड, दिस इज अचीव्ड बाई इलेक्ट्रॉन्स रिलीज, ए फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड एन ए डी पी प्लस, बी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड एन ए डी पी एच, सी ए टी पी एंड फोटो सिस्टम सेकेंड, डी बाई स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड फोटो सिस्टम सेकेंड, एंड द करेक्ट आंसर इज डी बाई स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड फोटो सिस्टम सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 33. रेनिन एक्ट्स ऑन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इन बेसिक पीएच, प्रोटीन्स इन स्टोमक, फैट इन इंटेस्टाइन, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इन एसिडिक पीएच, एंड द करेक्ट आंसर इज डी डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इन एसिडिक पीएच. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. द इम्यूनिटी एसोसिएटेड विद मेमोरी इज कॉल्ड ए नेचुरल, बी अक्वायर्ड, सी इननेट, डी पैसिव, एंड द करेक्ट आंसर इज बी acquired immunity associated with memory. Next question number 35. In ECG the depolarization of atria is indicated by P wave, Q wave, R wave, S wave, and the correct answer is A P wave. Next question number 36. Blood analysis of patient reveals an unusually high quantity of carboxyhemoglobin content. Which of the following conclusions is most likely to be correct? The patient has been inhaling polluted air containing usually high content of dash A carbon disulfide, B chloroform, C carbon dioxide, D carbon monoxide, and the correct answer is D carbon monoxide. Next question number 37. Chlorosis is caused due to the deficiency of A magnesium, B कैल्शियम, सी बोरोन, डी कॉपर, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट मैग्नीशियम ए. नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड इन ए लैग फेज, बी लॉग फेज, सी प्लेटेव स्टेज, डी फर्स्ट स्टेज, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ 38 इज ए लैग फेज, सॉरी बी लॉग फेज. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई लॉग फेज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. द लेयर ऑफ सेल्स फॉर्मिंग टिश्यू दैट अपीयर्स टू बी मल्टी लेयर्ड बट एक्चुअली सम ऑफ द सेल्स एक्सटेंडेड फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन टू द सर्फेस इज ए सिंपल कॉलुमनर इपिथेलियम, बी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, सी स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर इपिथेलियम, डी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियम, एंड द करेक्ट आंसर इज बी सीडोस्ट्रिफाइड एपिथेलियम.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी मींस ए कलेक्शन ऑफ लिटरेचर अबाउट डीएनए, बी अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एक्सट्रैक्टिंग डीएनए, ए सी कलेक्शन ऑफ जीनोमिक टोटल जीनोमिक डीएनए ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, डी अ कलेक्शन ऑफ जीन वेक्टर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज सी अ कलेक्शन ऑफ टोटल जीनोमिक डीएनए ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज इन गोबर गैस प्लांट, ए मिथेनोजेंस, बी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सी अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, डी डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एंड द करेक्ट आंसर इज ए मिथेनोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इंडोथेसियम एंड टेपेटम इन एंथर आर डिराइव फ्रॉम, ए प्राइमरी स्पोरोजीनस लेयर, बी प्राइमरी पैराइटल लेयर, सी बोथ प्राइमरी स्पोरोजीनस लेयर एंड प्राइमरी पैराइटल लेयर, डी नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज बी प्राइमरी पैराइटल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इन यूकैरियोट्स द एंटीकोडोन ऑफ टीआरएनए दैट पेयर्स विथ द स्टार्ट कोडोन ऑफ एमआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज, फर्स्ट ए यूए, बी यूसीए, सी यूएसी एंड डी यूयू। एंड द करेक्ट आंसर इज सी यूएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इन अ सिंगल प्रोसेस ऑफ द क्रेब्स साइकिल डी कार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस इन डैश हाउ मेनी स्टेप्स, ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। एंड द करेक्ट आंसर इज डी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इन नाइट्रोजन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ए राइजोपस, बी नाइट्रोबैक्टर, सी म्यूकर, डी क्लेबसिप्स। एंड द करेक्ट आंसर इज बी नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द ग्राफ शोज टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ए एक्सपोनेंशियल एंड बी लॉजिस्टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ मॉडल्स इज कंसिडर्ड टू बी द मोर रियलिस्टिक वन, ऑप्शंस आर ए लॉजिस्टिक कर्व, बी एक्सपोनेंशियल कर्व, सी बोथ एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक कर्व, डी नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ए लॉजिस्टिक कर्व इज द मोर रियलिस्टिक वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स, ए हु कैनॉट प्रोड्यूस ओवम, बी हु कैनॉट रिटेन द फीटस इनसाइड यूटरस, सी हुज सर्वाइकल कैनाल इज टू नैरो टू अलो पैसेज फॉर द स्पर्म्स, डी हु कैनॉट प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ए हु कैनॉट प्रोड्यूस एन ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स इन द लिस्ट गिवेन बिलो आर ऑटोट्रॉप्स, लैक्टोबैसिलस, नॉक्स्टॉक, कारा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसीज, सैक्रोमाइसीज, ट्रिपैनोजोमा, पोरफायरा, वोल्फिया। एंड ऑप्शंस आर 4, 5, 6, 3। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन इन वर्टिब्रेट्स जनरली डिपेंड्स ऑन, ए लेंथ ऑफ प्रोक्सिमल कॉन्फ्लुटिव ट्यूब्यूल, बी लेंथ ऑफ हेनस लूप, सी एरिया ऑफ बाउंस कैप्सूल एपिथेलियम, डी कैपिलरी नेटवर्क फॉर्मिंग ऑफ अर्थवर्म। एंड द करेक्ट आंसर इज बी लेंथ ऑफ हेनल्स लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए निकोटीन काउजेज हॉलिसिनेशंस, बी हीरोइन इज डाई एसिटाइल मोरफिन, सी हसीस हैज स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी, डी कोकेन इज ओपोइड ड्रग। एंड द करेक्ट आंसर इज बी हीरोइन इज डाई एसिटाइल मोरफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, द कंटिन्यूअस अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर स्ट्रीम इन टॉल ट्रीज इन इज मेंटेन ड्यू टू डैश, ए गटेशन एंड ट्रांसपीरेशन, बी ट्रांसपीरेशन पूल ओनली, सी कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मोलिकुल्स ओनली, डी कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मोलिकुल्स एंड ट्रांसपीरेशन पूल। एंड द करेक्ट आंसर इज डी कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मोलिकुल्स एंड ट्रांसपीरेशन पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन, ए मैमस एंड बर्ड्स,
बी फिशेज एंड फ्रेश वाटर प्रोटोजोवंस, सी बर्ड्स रिटाइल्स एंड इंसेक्ट्स, डी फ्रॉक्स एंड टोर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज सी रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स, बर्ड्स रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, मैच द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर लाइफ स्पान। ए वन एलिफेंट, टू फ्रूट फ्लाइज, थ्री राइस प्लांट, डी बटरफ्लाई। ए 2 to 3 month, बी 4 months, सी लेस देन 1 month, डी 60 to 90 years। एंड द करेक्ट आंसर इज सी वन का डी, यानी कि एलिफेंट का 60 to 90 years, टू का ए फ्रूट फ्लाई 2 to 3 months, थ्री राइस प्लांट का बी 4 months, और बटरफ्लाई 4 का सी लेस देन 1 month। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूटेड टू जिबरेलिन इज ए शॉर्टनिंग ऑफ जेनेटिकली टॉल प्लांट्स, बी इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार प्लांट, सी प्रोमोशन ऑफ रूटिंग, डी एलोइंग ऑफ यंग लीव्स। एंड द करेक्ट आंसर इज बी इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज बीन यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स इन इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स। ए मेलोडोगाइनी इनको इनिशिया, बी बैसिलस थुरिंजियासिस, सी डिसार्म रेट्रोवायरस, डी टी आई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टेरियम। एंड द करेक्ट आंसर इज डी टी आई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, स्वान सेल आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ अ माइलिनेटेड न्यूरोन। ए डेंड्राइट्स, बी एक्जोन हिलॉक, सी एक्जोन, डी सोमा या बडी। करेक्ट आंसर इज सी एक्जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, एन एग्जाम्पल फॉर अपोजिट फैलोटैक्सी इज ए एल्स्टोनिया एंड कलेट्रोपिस, बी गुआभा एंड कलेट्रोपिस, सी मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, डी चाइना रोज एंड गुआभा। एंड करेक्ट आंसर इज बी गुआभा एंड कलेट्रोपिस। इसका मैंने अपने वीडियोस में चैनल पे ट्रिक भी दे चुका हूँ। जैसे इसका ट्रिक है कि गोरा एंड काला जो है दोनों अपोजिट होता है, यानी कि गोरा से गुआभा हो गया और काला से कलेट्रोपिस हो गया। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, आप चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लेशन, बी क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लेशन, सी रामसार कन्वेंशन ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, डी बेसल कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लेशन इज करेक्टली मैच्ड पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, मैच द माइक्रोब्स टू द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम द गिवेन कॉलम्स। ए क्लोस्ट्रिडियम, बी एस्परगिलस, सी ट्राइकोडर्मा, डी मोनोस्कस, फर्स्ट स्टैटिन, सेकेंड साइक्लोस्पोरिन, थर्ड सिट्रिक एसिड, फोर्थ ब्यूटारिक एसिड। और इसका भी मैंने ट्रिक दे रखा है अपने चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप हमेशा याद रख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए, ए का 4 है, यानी कि क्लोस्ट्रिडियम का 4th बिटारिक एसिड, बी का एस्परगिलस का 3rd है सिट्रिक एसिड, सी का ट्राइकोडर्मा का साइक्लोस्पोरिन और मोनोस्कस का स्टैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, अकॉर्डिंग टू केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एटीपी सिंथेटेज फॉर्म एडीपी व्हेन प्रोटॉन्स एच प्लस। ए मूव फ्रॉम स्टोमा टू थैलाकॉइड लुमेन बाय सिंपल डिफ्यूजन, बी मूव फ्रॉम स्टोमा टू थैलाकॉइड लुमेन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सी मूव फ्रॉम थैलाकॉइड लुमेन टू स्ट्रोमा बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डी मूव फ्रॉम थैलाकॉइड लुमेन टू स्ट्रोमा बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एंड द करेक्ट आंसर इज डी मूव फ्रॉम थैलाकॉइड लुमेन टू स्ट्रोमा बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, द फेज इन विच बोथ द क्रोमोजोम्स एंड डीएनए कंटेंट बिकम्स हाफ इज। ए एनाफेज, बी एनाफेज 2, सी एनाफेज 1, डी बोथ ए एंड बी। एंड द करेक्ट आंसर इज सी एनाफेज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना आइज कंपाउंड एंड सिंपल स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फाइलम। ए मोलस्का, बी सिलेंट्रेटा, सी अर्थोपोडा, डी इकैनोडर्मेटा। एंड द करेक्ट आंसर इज सी अर्थोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग सेट ऑफ द क्लास एंड सम ऑफ इट्स मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स। ए साइक्लोस्टोमाटा, डिवीजन एगेंथा, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, इंडोस्केलेटन बोनी एग्जांपल मैगजीन, बी रेप्टिलिया, डिवीजन गैंथोस्टोमाटा, एपिडर्मल
स्केल्स, इंडोस्केलेटन बॉडी एग्जाम्पल हिमिडेक्टाइलस, सी एम्फीबिया सुपर क्लास टेट्रोपोडा, क्लोएका एज अ कॉमन ओपनिंग फॉर द एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एक्जोस्केलेटन बोनी एग्जाम्पल हाइला, डी कॉन्डिक्थीज सुपर क्लास पाइसेज, गिल स्लेट्स विदाउट ऑपरकुलम एक्जोस्केलेटन कार्टिलेजनस एग्जाम्पल कार कैरोडोन, एंड द करेक्ट आंसर इज बी रेप्टिल। मैचिंग सेट पूछ रहा है तो रेप्टिलिया का डिवीजन एगेंथोस्टोमाटा, एपिडर्मल स्केल्स होगा, एंडोस्केलेटन बॉडी होगा, एग्जाम्पल हेमिडेक्टाइलस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक इकोर्निया वाटर हाइसिंथ इज कॉल्ड, बी ऑफसेट। ऑप्शन सारे एस्टोलन ऑफसेट, प्रोप रूट और बल्ब, एंड द करेक्ट आंसर इज बी ऑफसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ए ऑक्जिन्स, बी जिब्रेलिन, सी साइटोकाइनिन, डी इथाइलिन, एंड द करेक्ट आंसर इज ए ऑक्जिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, इन माइटोकॉन्ड्रिया इंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज प्रेजेंट इन ए आउटर मेम्ब्रेन, बी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, सी इनर मेम्ब्रेन, डी मैट्रिक्स, एंड द करेक्ट आंसर इज सी इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, एडियंटम बिलोंग्स टू द क्लास ए सिलोप्सीडा, बी स्फेनोप्सीडा, सी टेरोप्सीडा, डी लाइकोप्सीडा, एंड द करेक्ट आंसर इज सी टेरोप्सीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ए सोडियम आयन, बी पोटेशियम आयन, सी कैल्शियम आयन, डी क्लोराइड आयन, एंड द करेक्ट आंसर इज सी कैल्शियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ वेक्टर इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ए सेलेक्टेबल मार्कर, बी ओ आर आई साइट, सी रोप, डी रेस्ट्रिक्शन साइट, एंड द करेक्ट आंसर इज ए सेलेक्टेबल मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, ए द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड अ फैक्टर, बी आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव, सी एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स रिकवर एज सच इन एफ टू जनरेशन, डी फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ 70 इज सी एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ कैरेक्टर्स रिकवर एज सच इन एफ टू जनरेशन, कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट द थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड रनिंग फ्रॉम वन सेल टू अदर इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा, सेकेंड जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द वैस्कुलर बंडल्स ऑफ द स्टेम, थर्ड द फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड एज मेटाजाइलम, फोर्थ रेडियल वैस्कुलर बंडल्स आर मेनली फाउंड इन लीव्स, एंड द करेक्ट आंसर इज डी फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू बट थ्री एंड फोर्थ आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ए वर्टिब्रेट हार्ट और ब्रेन्स, बी मार्सुपियल्स एंड डार्विन फिंजेज, सी स्वीट पोटैटो, डी फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, एंड द करेक्ट आंसर इज सी स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटो रेडियोग्राफी, ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए प्रोब इज ऑलोड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कम्प्लीमेंट्री डीएनए, बी द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल अपियर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, सी द प्रोब विल नॉट हैव कम्प्लीमेंट्रिलिटी विद द म्यूटेटेड जीन, डी मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज द प्रोब विल नॉट हैव कम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेडियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, गिवेन बिलो द डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी,
आइडेंटिफाई पार्स लेवल एज ए बी एंड सी एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी ए ग्राफियन फॉलिकल बी ओवम एंड सी कॉर्पस ल्यूटियम. ओके नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 75. व्हिच लॉ स्टेट्स दैट ईच गैमेट हैज एन इक्वल चांस ऑफ पोजेसिंग आइदर मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स. ए सेग्रीगेशन बी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सी डोमिनेंस डी ऑल ऑफ द अबव एंड द करेक्ट आंसर इज ए सेग्रीगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76. द गिवन फिगर शोज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट हेयर एपिडर्मिस कॉर्टेक्स इंडोडर्मिस पेरिसाइकल फ्लोएम प्रोटोजाइलम पीथ मेटाजाइलम दिया हुआ है फिगर में. ऑप्शन है द ए का डाइकोट रूट बी मोनोकोट रूट सी सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट डी सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकोट रूट एंड द करेक्ट आंसर इज बी मोनोकोट रूट. एग्जाम्पल्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन मेथड आर नेशनल पार्क सेंचुरीज बायोस्फीयर रिजर्व एंड हॉट स्पॉट्स. द नंबर ऑफ नेशनल पार्क ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बी एंड बायोस्फीयर रिजर्व सी ऑफ इंडिया आर. सबका नंबर बताना है कि नेशनल पार्क कितना है और ये सब कितना है. तो करेक्ट आंसर इसका ए है, यानी कि जो नेशनल पार्क जो टोटल टोटल इंडिया में है वो 90 है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो 448 है और जो सी दिया हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व वो 14 है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78. द फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है. द डैश ए लीव्स द आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल्स इंटर इट एट अ पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बॉल. फिल इन द ब्लैंक्स बी इज नॉट प्रेजेंट इन दैट रीजन एंड हेंस इट इज कॉल्ड द डैश सी एट द पोस्टेरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द डैश सी देर इज अ येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट कॉल्ड डी विथ अ सेंट्रल पिट कॉल्ड ई. और इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि ए का ऑप्टिक नर्व, बी का फोटो रिसेप्टर सेल्स, सी का ब्लाइंड स्पॉट और डी का मैक्रोल्यूटिया और ई का फोबिया फोबिया. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79. टर्गर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वॉल प्रेशर व्हेन ए वाटर लिफ्ट्स द सेल बी नो एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस सी वाटर इंटर्स द सेल डी सॉल्यूट गोज फ्रॉम द सेल इनटू वाटर एंड द करेक्ट आंसर इज बी नो एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोफिल्स मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रॉबेरी इज फाउंड. ए सेलाजिनेला एंड फ्यूकस बी सेलाजिनेला निक्सेटम सी फ्यूकस एंड साइकस डी टेरिस एंड पॉलिसिफोनिया एंड द करेक्ट आंसर इज बी सेलाजिनेला एंड इक्विसेटम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81. द मेन ऑर्गेनेली इन्वॉल्व्ड इन द मॉडिफिकेशन एंड रूटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स टू दियर डेस्टिनेशंस इज ए क्लोरोप्लास्ट बी ग्लैक्सिजोम्स सी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डी गोल्जी एपरेटस एंड द करेक्ट आंसर इज डी गोल्जी एपरेटस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82. एट जीवन स्टेज व्हिच फेनोमेनन टेक्स प्लेस ए डीएनए सिंथेसिस बी आरएनए सिंथेसिस सी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डी ऑल ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज बी आरएनए सिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज अ मॉडिफाइड एमिनो एसिड ए एपिनेफ्रिन बी प्रोजेस्टेरोन सी प्रोस्टाग्लैंडिन डी एस्ट्रोजन एंड द करेक्ट आंसर इज ए एपिनेफ्रिन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84. In year 1963, the two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. They are A, the enzyme that adds methyl groups to the bacterial DNA, B, the enzyme that joins the cleaved DNA, C, the enzyme that cleaves DNA, D, more than one option is correct. And the correct answer is D, more than one option is correct. Yani A or B, dono sahi hai. Next question number 85. The immune system when works against self cell is called A self immune system B autoimmunity C specific immunity D none of the above and the correct answer is B autoimmunity.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ए, फर्स्ट स्टेटमेंट देखना है, ए इंसुलिन स्टिमुलेट्स सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन एंड ग्लाइकोजेनेसिस, बी इंसुलिन डिफिशियंसी रिजल्ट इन अ डिजीज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस, सी ग्लूकागोन इनहिबिट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, डी थायमोसिन इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, सी स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट, दैट इज ग्लूकागोन इनहिबिट्स ग्लूकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, सिस्टेमिक हार्ट रिफर्स टू ए द हार्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर स्टिमुलेशन फ्रॉम नर्वस सिस्टम, बी लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट्स, सी इंटायर हार्ट इन लोअर वर्टिब्रेट्स, डी बोथ द वेंट्रिकल्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज बी लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, द सफिक्स IDAE इज यूज फॉर ए स्पीसीज, बी फैमिली, सी क्लास, डी जीनस। एंड द करेक्ट आंसर इज बी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, द फिगर बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई कोलाई वेक्टर PBR-332, विच द फॉलोइंग इज गिवन ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज द सर्टेन कंपोनेंट्स, ऑप्शन ए ओरी ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बी ROP रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, सी हिंड थर्ड एंड ECOR फर्स्ट सेलेक्टेबल मार्कर्स, डी MPR-TR एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंड द करेक्ट आंसर इज डी AMPR एंड टेट्रासाइक्लिन आर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ओके नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी दैट इज 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग हिसारडेल। ए इट इज डेवलप्ड थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग, बी इट इज हाइब्रिड ब्रीड, सी इट इज अ मिल्क ब्रीड, डी इट इज अ हाई वूल प्रोड्यूसिंग क्रॉस ब्रीड। एंड द करेक्ट आंसर इज सी इट इज अ मिल्क ब्रीड, दिस इज अ इनकरेक्ट रिगार्डिंग हिस आर्डर। नाउ कम टू द क्वेश्चन केमिस्ट्री पोर्शन। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ केमिस्ट्री इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन हाइड्रोजन एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन, इन हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स टू टाइम्स ऑफ द एनर्जी एट एज इफ रिक्वायर्स एस्केपिंग 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम द एटम, द वेव लेंथ ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी। एंड द करेक्ट आंसर इज सी 3.34 × 10⁻¹⁰ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, द मोलल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर वाटर एट 100 °C इज ए 760, बी 750, सी 13.43 मिलीमीटर, डी 0.760 मिलीमीटर। एंड द करेक्ट आंसर इज सी 13.43 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, द मोलर रेशियो ऑफ Fe2+ टू Fe3+ इन अ मिक्सचर ऑफ FeSO4 एंड Fe2SO4 होल थ्राइस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ सल्फेट आयन इन बोथ फेरस एंड फेरिक सल्फेट इज A1:2, B3:2, C2:3, डी कैनॉट बी डिटरमाइंड। एंड द करेक्ट आंसर इज 2:3, सॉरी करेक्ट आंसर इज बी 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, व्हिच द फॉलोइंग इज इनर्ट टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, ए इथाइल क्लोराइड, बी एसओ प्रोपाइल क्लोराइड। एंड द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, वन ऑफ द प्रोसेसेज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज जनरली यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स, समटाइम्स इन दिस प्रोसेस वी एड NaCN सोडियम साइनाइड एज अ डीप्रेसेंट, सोडियम साइनाइड इज जनरली एडेड टू इन केस ऑफ ZnS जिंक सल्फाइड एंड PbS मिनरल्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिशन ऑफ NaCN ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन, ऑप्शन ए NaCN कॉजेज रिडक्शन बाय प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन बी अ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मड बाय रिएक्शन बिटवीन NaCN एंड ZnS व्हाइल PbS फॉर्म्स फ्रोथ, सी अ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मड बाय रिएक्शन बिटवीन NaCN एंड PbS व्हाइल ZnS
फॉर्म्स फ्रोथ, ऑप्शन डी अ प्रेसिपिटेट ऑफ पीबीसी एंड होल ट्वाइस इज प्रोड्यूस्ड व्हाइल जेडियन एस रिमेन्स अनएफेक्टेड, एंड द करेक्ट आंसर इज ए अ सोलूबल कॉम्प्लेक्स इज बी होगा। बी अ सोलूबल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन एनएससीएन एंड जेडियन एस व्हाइल पीबीएस फॉर्म्स फ्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हिच द फॉलोइंग ड्रग्स इज एन एनाल्जेसिक, ए सल्फा गुआनिडीन, बी पालुड्रीन, सी एल एनाल्जिन, डी ऑल ऑफ द एब ऑल ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज सी एनाल्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सी एल टू एट इक्विलिब्रियम इन द डिसोसिएशन ऑफ पी सी एल फाइव अंडर अ टोटल प्रेशर ऑफ 1.5 atm इज, के पी इक्वल टू 0.202, ए 7.74.5, बी 36.5, सी 63.5, डी 26.6, एंड द करेक्ट आंसर इज डी 26.6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, द कन्वर्जन कैन बी इफेक्टेड बाई एल आई एच फोर एल आई एल एच फोर रिडक्शन, बी क्लेमेंसेंस रिडक्शन, सी एन ए बी एच फोर रिडक्शन, डी एच टू एन आई रिडक्शन, एंड द करेक्ट आंसर इज एन ए बी एच फोर रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए कंटेन्स 20% कार्बन, 46.66% नाइट्रोजन एंड 6.66% हाइड्रोजन, इट गेव एन एच थ्री गैस ऑन हीटिंग विथ एन ए ओ एच, द ऑर्गेनिक कंपाउंड ए कूड बी सी एच थ्री ए सी एच थ्री सी ओ एन एच टू, बी सी सिक्स एच फाइव सी ओ एन एच टू, सी एन एच टू सी ओ एन एच टू, डी सी एच थ्री एन एच सी ओ एन एच टू, एंड द करेक्ट आंसर इज सी एन एच टू सी ओ एन एच टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, इफ द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज सील्ड रिजिड कंटेनर इज इंक्रीज्ड टू 1.5 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू इन केल्विन, द डेंसिटी ऑफ गैस इज, एंड द करेक्ट आंसर इज रिमेन्स सेम। नेक्स्ट डेंसिटी थोड़ा ना चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर इलेवन, द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द अल्फा फॉर्म्स फॉर्म ऑफ पैरानोज इज +150.70, दैट ऑफ बीटा फॉर्म्स इज +52.80, इन सोल्यूशन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ एनोमर्स हैज एन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ +80.20, द परसेंटेज ऑफ द अल्फा फॉर्म्स एट इक्विलिब्रियम इज ए 28%, बी 32%, सी 68%, डी 72%, एंड द करेक्ट आंसर इज ए 28%। नेक्स्ट ऑर्थोबोरिक एसिड वेन हीटेड टू रेड हॉट गिव्स ए मेटाबोरिक एसिड, बी पायरोबोरिक एसिड, सी बोरोन एंड वाटर, डी डाइबोरोन ट्राइऑक्साइड, एंड द करेक्ट आंसर इज डी डाइबोरोन ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द डेल्टा एच एफ नॉट फोर सी ओ टू गैस सी ओ गैस एंड एच टू ओ गैस आर गिवेन रिस्पेक्टिवली, द स्टैंडर्ड इन थैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन सी ओ टू प्लस एच टू गिव्स सी ओ प्लस एच टू गैस इज, एंड द करेक्ट आंसर इज बी 41.2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड नॉट एन एक्टिनोइड, ए क्यूरियम, बी कैलिफोर्नियम, सी यूरेनियम, डी टर्बियम, एंड द करेक्ट आंसर इज डी टर्बियम। क्वेश्चन नंबर 15, क्लोराइड डिजॉल्व्स एप्रिसिएबली इन कोल्ड वाटर व्हेन प्लेस्ड ऑन अ प्लैटिनम वायर इन बंसन फ्लेम, नो डिस्टिंक्टिव कलर इज नोटिस्ड, देन द कैटायन इज Mg+2 आयन, Ba+2 आयन, सी Ag+ आयन, डी Ca+2 आयन, एंड द करेक्ट आंसर इज ए Mg2+ आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन द केमिकल रिएक्शन CH3CH2NH2+CHCl3+3KHA गिव्स B+3H2O, कंपाउंड ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, ए सी टू, करेक्ट आंसर इज डी C2H5NC एंड 3KCl, ए एंड बी कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सोडियम थायोसल्फेट NA2H2O3 5H2O इज यूज्ड इन फोटोग्राफी टू
ए रिड्यूस द सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेन्स टू मेटेलिक सिल्वर, बी कन्वर्ट द मेटेलिक सिल्वर टू सिल्वर सॉल्ट, सी रिमूव अनडिकम्पोज AgBr एज सोल्यूबल सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स, डी रिमूव रिड्यूस्ड सिल्वर। एंड द करेक्ट आंसर इज सी रिमूव अनडिकम्पोज AgBr एज सोल्यूबल सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सम टाइप ऑफ जेल लाइक जिलेटिन लूज वाटर स्लोली, द प्रोसेस इज नोन एज ए साइनेरिसिस, बी थिजोट्रॉफी, सी पेप्टिजेशन, डी इनहिबिशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ए साइनेरिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द चेंज इन इंट्रोपी व्हेन प्रेशर ऑफ परफेक्ट गैस इज चेंज्ड आइसोथर्मली फ्रॉम P1 टू P2 इज, एंड द करेक्ट आंसर इज सी डेल्टा एस इक्वल टू एन आर एल एन P1 बाई P2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाटा गिवेन बिलो, Cl2 + 2H2O गिव्स 2Cl O- + 4H++ टू इलेक्ट्रॉन ई नॉट इक्वल टू 1 - 1.61 वोल्ट, Cl O - + 2H2O गिव Cl O3 - + 4H++ इलेक्ट्रॉन ई नॉट इक्वल टू -0.50 वोल्ट। बेस्ड ऑन दिस डाटा व्हिच इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एंड द करेक्ट आंसर इज बी Cl O- गिव Cl2 + Cl O3 इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट CH3O CH2+ इज मोर स्टेबल देन CH3CH2+, सेकेंड Me3C+ इज मोर स्टेबल देन CH3CH2CH2+, थर्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2+ इज मोर स्टेबल देन CH3CH2CH2+, फोर्थ CH2 डबल बॉन्ड CH+ इज मोर स्टेबल देन CH3CH2+। ऑफ दिस स्टेटमेंट कौन कौन करेक्ट है, कौन कौन इनकरेक्ट है देखना है। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीनों करेक्ट है, और फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 22, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 mHa इज 3.75 एंड 10 to power -4 ohm per sentimeter, इफ लेमडा इनफाइनाइट ऑफ एच ए इज 250 per ohm cm² यूनिवर्स, देन डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के ए ऑफ एच ए इज, फर्स्ट 1 × 10⁻⁵, बी 2.25 × 10⁻⁴, सी 2.25 × 10⁻⁵, डी 2.25 × 10⁻⁰। एंड करेक्ट आंसर इज सी 2.25 × 10⁻⁵। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अ 0.001 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स Ma8 हैज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ -0.0054°C, इफ द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द सॉल्ट अंडरगोज 100% आयनाइजेशन एंड Kf ऑफ वाटर फॉर वाटर इक्वल टू 1.8 केल्विन पर मोलल, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज Ma8, BMA6A2, CMA4A4, DMA5A3। एंड द करेक्ट आंसर इज बी Ma6×A2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कॉपर पाइराइट ओर इज कंसनट्रेटेड बाई, ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, बी ग्रेविटी मेथड, सी फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, डी ऑल ऑफ द एबव। एंड द करेक्ट आंसर इज सी फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स कैनॉट अंडरगो क्लैजन सेल्फ कंडेंसेशन, एंड द करेक्ट आंसर इज बी C6H5COOC2H5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइड ऑफ नाइट्रोजन इज न्यूट्रल, ए N2O5, बी N2O3, सी N2O4, डी N2O। एंड द करेक्ट आंसर इज डी N2O इज न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द स्ट्रेंथ ऑफ 10⁻²⁰ Na2CO3 सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलिलिटी विल बी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.10 g/mL, मोलिकुलर वेट ऑफ Na2CO3 इज 106। एंड द करेक्ट आंसर इज
ए 9 × 10⁻³। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन द गिवन रिएक्शन व्हाट इज बी। रिएक्शन गिवन है और ए और बी टीएससीएल पायरीडीन है, और इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी है इसका करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द यूनिट सेल क्यूब लेंथ ऑफ एलआईसीएल एनएसीएल टाइप स्ट्रक्चर इज 5.14 एंगस्ट्रम। एज्यूमिंग एट एनायन कैटायन कॉन्टैक्ट कैलकुलेट द आयनिक रेडियस फॉर क्लोराइड आयन, एंड द करेक्ट आंसर इज ए 1.815। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, नॉन पोलर मॉलिक्यूल एमोंग द फॉलोइंग इज ए एस एफ फोर बी बी एफ थ्री एन एस थ्री सी पी एफ थ्री सी एल टू डी एक्स सी एफ फोर, एंड द करेक्ट आंसर इज डी एक्स ई फोर जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, गिवन रिएक्शन है और इसका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, इसका करेक्ट 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडर सोल्यूशन। ए सी यू प्लस सी यू सी एल टू गिव सी यू टू सी एल टू, बी 2 Mg प्लस सी ओ टू गिव्स 2 Mg ओ प्लस, सी सी टू टू एच एन ओ थ्री प्लस 3 H2S गिव्स 3S प्लस 4H2O प्लस 2NO, एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, एंड द करेक्ट आंसर इज सी। ये रिप्रेजेंट करता है क्लोराइड सोल्यूशन को, 2HNO3 प्लस 3H2S गिव्स 3S प्लस 4H2O प्लस 2NO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बोल्ड एंगल इन PH3 इज क्लोजर टू 90 डिग्री व्हाइल दैट इन NH3 इज 104.5 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल फीचर, एंड द करेक्ट आंसर इज सी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3s एंड 3p ऑर्बिटल इज क्वाइट हाई, एंड हेंस द लोन पेयर ऑफ फॉस्फोरस प्रीफर्स टू ऑक्यूपाई अनहाइब्रिडाइज एस ऑर्बिटल रैदर देन अनहाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल व्हिच कॉजेज इट्स एस ऑर्बिटल एनर्जी टू इंक्रीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इन अ रिएक्शन कैरिड आउट एट 400 केल्विन 0.01% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स इज इफेक्टिव, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन इज 13.3 किलो जूल पर मोल, 23.5 किलो जूल पर मोल, 3.2 किलो जूल पर मोल, डी 30.6 किलो जूल पर मोल, एंड द करेक्ट आंसर इज डी 30.6 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, फॉर अ सर्टेन एटम द देर आर एनर्जी लेवल्स ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी वैल्यूज ई ए लेस देन ई ए ई बी लेस देन ई सी, एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ लेमडा वन लेमडा टू एंड लेमडा थ्री आर द वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन फ्रॉम सी टू बी बी टू ए एंड एस ए ए एंड सी टू ए रिस्पेक्टिवली, एंड द ऑप्शन आर ए लेमडा थ्री इक्वल टू लेमडा वन प्लस लेमडा टू, बी लेमडा थ्री इक्वल टू लेमडा वन लेमडा टू बाई लेमडा वन प्लस लेमडा टू, सी लेमडा वन प्लस लेमडा टू प्लस लेमडा थ्री इक्वल टू जीरो, डी थ्री लेमडा टू इक्वल टू लेमडा थ्री प्लस टू लेमडा टू, एंड द करेक्ट आंसर इज बी लेमडा थ्री इक्वल टू लेमडा वन लेमडा लेमडा वन इंटू लेमडा टू बाई लेमडा वन प्लस लेमडा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अ क्रिस्टल इज मेड ऑफ पार्टिकल्स एक्स वाई एंड जेड, एक्स फॉर्म्स एफ सी सी पैकिंग वाई ऑक्यूपाइज ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑफ एक्स एंड जेड ऑक्यूपाइज ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ एक्स, इफ ऑल द पार्टिकल्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड देन द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल वुड बी ए ए एक्स वाई जेड टू, बी एक्स टू वाई जेड टू, सी एक्स एट वाई फोर जेड फाइव, डी एक्स फाइव वाई फोर जेड एट, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ 37 इज डी एक्स फाइव वाई फोर जेड एट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट्स द करेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, पी एच सी एच ओ प्लस सी एच थ्री सी एच ओ इन द प्रेजेंस ऑफ ओ एच माइनस आयन एल्डोल्स, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ 38 इज बी बी वन एंड थ्री आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड H2O2 कैनॉट बी सिंथेसाइज, ए एडिशन ऑफ H2O4 ऑन BaO2,
बी एडिशन ऑफ H2SO4 ऑन PbO2, सी सी एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ टू इथाइल एंथ्राक्विनोल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NH4 होल टू SO4 एट हाइट करंट डेंसिटी एंड द करेक्ट आंसर इज बी बी एडिशन ऑफ H2SO4 ऑन PbO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। वन मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट 2.08 m 3 liter एंड 95 केल्विन फोर गिव्स 4 atm 5 liter 245 केल्विन विथ अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा इक्वल टू 30 liter atm। द चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच ऑफ द प्रोसेस इन लीटर एटीएम इज ए 40 बी 42.3 सी 44.0 डी नॉट डिफाइंड बिकॉज प्रेशर इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड द करेक्ट आंसर इज सी 44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। रिएक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट जो है CH3MgBr के प्रेजेंस में है और सेकंड जो है वो H+H2O है प्रोडक्ट है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। व्हिच द फॉलोइंग मेटल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट क्रोमियम, बी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रहा है, बी वैनेडियम, सी मैग्नीज, डी आयरन एंड द करेक्ट आंसर इज सी मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। द एनोमेरिक कार्बन इज डी इन डी प्लस ग्लूकोज इज सी 1 कार्बन, सी 2 कार्बन, सी 5 कार्बन, सी 6 कार्बन एंड द करेक्ट आंसर इज ए सी 1 कार्बन जो होता है वो एनोमेरिक कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव इज एंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आंसर इज 2 सबसे ज़्यादा, उसके बाद 1 3 तब 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, लास्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 इज pH ऑफ 10^-10 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नियरेस्ट टू 10.9 एंड द करेक्ट आंसर इज बी 7। नाउ कम टू द फिजिक्स लास्ट पोर्शन ऑफ आवर टेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। When both the listener and source are moving towards each other, then which of the following is true regarding frequency and wavelength of wave observed by the observer? A. More frequency, less wavelength. B. More frequency, more wavelength. C. Less frequency, less wavelength. D. More frequency, less constant wavelength. And the correct answer is A. More frequency, less wavelength. Next, question number 2. A change of 8 milliampere in the emitter current brings a change of 7.9 millimeter in the collector current. The values of alpha and beta are, and the correct answer is D. Alpha ka value 0.99 aur beta ka value ho jayega 79. Next, question number 3. The flux associated with the coil changes from 1.35 Weber to 0.75 Weber within 1/10 seconds. Then the चार्ज विच फ्लोज इन द क्वाइल इफ रेजिस्टेंस ऑफ क्वाइल इज 7 ohm एंड द ऑप्शन आर 0.08 coulomb, बी 0.8 coulomb, सी 0.008 coulomb, डी 8 coulomb एंड द करेक्ट आंसर इज ए 0.008 coulomb। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ वेसल कंटेन्स 1 gram ऑक्सीजन एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm एंड अ टेम्परेचर ऑफ 47°C. It is found that because of a leak, the pressure drops to 5/8 of its original value and the temperature falls to 27°C. Find the mass of oxygen that is leaked out. A 1/3 gram, B 1/48 gram, C 1 gram, D 2/3 gram. And the correct answer is A 1/3 gram. Next, question number 5. In the thermodynamical process, pressure of a fixed mass of a gas is changed in such a manner that the gas releases 20 joule of heat and 8 joule of work is done on the gas. If internal energy of the gas by 30 joule, then the final internal energy will be A 42 joule, B 18 joule, C 12 joule, D 60 joule. And the correct answer is B 18 joule. Next, question number 6. The pendulum suspended from a ceiling of a train has a period T when the train is at rest. When the train is accelerating,
विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल ए इंक्रीज बी डिक्रीज सी रिमेन अनअफेक्टेड डी बिकम्स इनफाइनाइट एंड द करेक्ट आंसर इज बी डिक्रीज कर जाएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. द अर्थ का मास दिया हुआ है 6×10^24 kg रिवॉल्व्स अराउंड द सन विथ एंगुलर वेलोसिटी 2×10^-7 रेडियन पर सेकेंड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.5×10^11 मीटर. द फोर्स एग्जर्टेड बाई सन ऑन द अर्थ इन न्यूटन इज ए 0, बी 18×10^25, सी 27×10^39, डी 36×10^21 एंड द करेक्ट आंसर इज डी 36×10^21. इसको याद भी रख सकते हैं, डेटा है. नहीं, इसको याद नहीं रख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल रिड्यूसेस फ्रॉम ए नॉट टू ए नॉट बाई रूट थ्री इन 1 आवर. द एक्टिविटी आफ्टर 3 आवर्स मोर विल बी एंड द करेक्ट आंसर इज बी ए नॉट बाई 9 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ स्टोन इज थ्रोन अप एंड रीच इज द ग्राउंड इन टाइम T1=9 सेकंड. अ सेकेंड स्टोन इज थ्रोन डाउन विद द सेम स्पीड एंड रीच इज द ग्राउंड इन टाइम T2=4 सेकंड. अ थर्ड स्टोन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड रीच इज द ग्राउंड इन टाइम T3 विच इज इक्वल टू ए 6.5 सेकेंड, बी 6 सेकेंड, सी 72/13 सेकेंड, डी नन एंड द करेक्ट आंसर इज बी 6 सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. अ गैल्वेनोमीटर विद अ स्केल डिवाइडेड इंटू 150 इक्वल डिविजन्स हैज करेंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिविजन पर मिली वोल्ट. फाइंड शंट रेजिस्टेंस फॉर मेकिंग एन एमीटर ऑफ 6 एम्पियर एंड द करेक्ट आंसर इज बी 12.5×10^-3 ओम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द मटेरियल इज 60 डिग्री द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली पोलराइज द वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन साइड द मटेरियल इज ए 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, बी 3/√2×10^8 मीटर पर सेकेंड, सी √3×10^8 मीटर पर सेकेंड, डी 1/3×10^8 सेकेंड एंड द करेक्ट आंसर इज सी √3×10^8 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. फिगर शोज एन एम्पेरियन पाथ ए बी सी डी ए. पाथ ए बी सी इज इन वर्टिकल प्लेन PSTU व्हाइल पार्ट सी डी ए इज इन हॉरिजेंटल प्लेन PQRS. डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन अलोंग द पाथ इज शोन बाय एन एरो नियर पॉइंट बी एंड डी. क्लोज लूप इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल फॉर द पाथ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ विल बी एंड द करेक्ट आंसर इज डी I1+I2×μ0. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विथ अ स्पीड ऑफ 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड. द वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इमिटेड आर लेमडा एंड एफ रिस्पेक्टिवली. द एपरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ रिकॉर्डेड बाई ऑब्जर्वर आर रिस्पेक्टिवली एंड द करेक्ट आंसर इज बी 1.2 f एंड लेमडा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. वन स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर फ्रॉम रेस्ट एंड साइमल्टेनियसली अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टावर विद सम इनिशियल वेलोसिटी. द ग्राफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टोन्स वेरीज विद टाइम टी एज बिफोर आइदर स्टोन हिट्स द ग्राउंड एंड द करेक्ट ग्राफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा यस और टी का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस आर एफ एंड एफ डैश एंड डिस्पर्सिव पावर्स आर ओमेगा नॉट एंड 2 ओमेगा नॉट रिस्पेक्टिवली टू फॉर्म ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन फ्रॉम दीज. ऑप्शन ए एफ डैश इक्वल टू 2f, ऑप्शन बी एफ डैश इक्वल टू -2f, ऑप्शन सी एफ डैश इक्वल टू एफ बाय 2, ऑप्शन डी एफ डैश इक्वल टू -a/2 एंड द करेक्ट आंसर इज बी एफ डैश इक्वल टू -2f. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. अ 30V 90W लैंप इज टू बी ऑपरेटेड ऑन अ 120V DC लाइन फॉर अ प्रॉपर ग्लू. अ रजिस्टर ऑफ हाउ मच रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द लैम्प. ए 40, बी 10, सी 20, डी 30 एंड द करेक्ट आंसर इज डी 30. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज अप्लाइड टू अ सॉलिड सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर बोथ हैविंग द सेम मास एंड रेडियस. बोथ ऑफ देम आर फ्री टू रोटेट अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर एंड द स्फीयर रिस्पेक्टिवली. देन द रेशियो अल्फा एंड अल्फा
देन रेशियो अल्फा वन बाई अल्फा टू विल बी ए 5/2, बी 5/4, सी 4/5, डी 2/5 एंड द करेक्ट आंसर इज सी 4/5. टू बॉल्स ऑफ मास एज एम एंड टू एम आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल. द रॉड रोटेट्स विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द करेक्ट आंसर इज ए 2/3 m ओमेगा एल स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स क्वांटम नेचर ऑफ लाइट बिकॉज फर्स्ट देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. सेकेंड इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज. थ्री मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड नॉट ऑन इट्स इंटेंसिटी. फोर्थ इवन व्हेन मेटल सर्फेस ऑफ फैंटली इम्यूनेटेड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स लीव द सर्फेस इमिडिएटली एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज स्टेटमेंट 1, 3 and 4 सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, 1, 3, 4 करेगा, 2 नहीं करेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. एज्यूमिंग द सन टू बी अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर एट अ टेम्परेचर ऑफ टी केल्विन इवेल्युएट द टोटल रेडियंट पावर इंसिडेंट ऑन अर्थ एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सन. आर नॉट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड सिग्मा इज द स्टेफन कॉन्स्टेंट एंड द करेक्ट आंसर इज बी 4 pi आर नॉट स्क्वायर आर कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा टी टू द पावर 4/r स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. देयर आर टू आइडेंटिकल स्मॉल होल्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो. द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द होल्स इज एच. टैंक इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल सर्फेस. हॉरिजेंटल फोर्स विच हैज टू बी अप्लाइड ऑन द टैंक टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम इज एंड द ऑप्शंस आर रो जी एच ए बी 2gh/ρa सी 2ρgh a डी ρgh/a एंड द करेक्ट आंसर इज सी 2ρgh a. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. द रीडिंग ऑफ द आइडियल एमिटर विल बी रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमिटर 0 लिया गया है और ऑप्शंस आर 5/6 एम्पियर बी 6/5 एम्पियर सी 3/2 एम्पियर डी 2/3 एम्पियर एंड द करेक्ट आंसर इज ए 5/6 एम्पियर. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. अ मरकरी थर्मोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड एज शोन इन द डायग्राम. द कैपिलरी ट्यूब हैज अ डायमीटर ऑफ 0.004 सेंटीमीटर एंड द बल्ब हैज अ डायमीटर ऑफ 0.250 सेंटीमीटर. निगलेक्टिंग द एक्सपेंशन ऑफ द ग्लास फाइंड द चेंज इन हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम्स विद अ टेम्परेचर चेंज ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन आर 3.55 सेंटीमीटर बी 2.60 सेंटीमीटर सी 4.50 सेंटीमीटर डी 3.33 सेंटीमीटर एंड द करेक्ट आंसर इज ए 3.55 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. इन द गिवन फिगर अ डायपोल डी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 100 ओम एंड एन ईएमएफ ऑफ 3.5 वोल्ट विद द बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द डायोड 0.5 वोल्ट. द करेंट इन द सर्किट विल बी ऑप्शन ए 40 mA ऑप्शन बी 20 mA ऑप्शन सी 35 mA ऑप्शन डी 30 mA एंड द करेक्ट आंसर इज 30 mA. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. फॉर अ सर्टेन मेटल इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू इन इज 5 times थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 8×10⁶ मीटर पर सेकेंड. इफ न्यू इक्वल टू 2 न्यू नॉट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एंड द करेक्ट आंसर इज ए 4×10⁶ मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 26. अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज फिक्स्ड टू वन एंड ऑफ द लाइट स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट के एंड अनस्ट्रेट लेंथ एल. द सिस्टम इज रोटेटेड अबाउट द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन ग्रेविटी फ्री स्पेस. द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई के ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. अ हेवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन अ हॉरिजेंटल टेबल
टॉप इफ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल सर्फिस इज 0.25 देन द मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हैंग ओवर वन एज ऑफ द टेबल इज ए 20%, बी 25%, सी 35%, डी 15%, एंड द करेक्ट आंसर इज ए 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ए बी सी एंड डी आर फोर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, नॉन ऑफ देम इज डायमेंशनलेस, बट वी नो दैट इक्वेशन ए डी इक्वल टू सी एल एन बी डी होल्स ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज नॉट अ मीनिंगफुल क्वांटिटी, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ए स्क्वायर माइनस ए सी बाय डी इज नॉट मीनिंगफुल क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अ कैनन सेल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजेंटल ब्रेक्स इंटू टू इक्वल पार्ट्स एज इट्स हाइएस्ट पॉइंट, वन पार्ट रिट्रेसेस द पाथ टू द कैनन व्हाइल काइनेटिक एनर्जी ई वन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड पार्ट ई टू, द रिलेशन होल्ड्स ई वन एंड ई टू इज, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज डी, ई टू इक्वल टू 9 E1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अ साइरन इमिटिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 Hz मूव्स अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर टुवार्ड्स अ क्लिफ एट अ स्पीड ऑफ 15 m/s, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट द ऑब्जर्वर हियर्स इन द इको रिफ्लेक्टेड फ्रॉम क्लिफ इज, टेक वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 m/s, ऑप्शन आर ए 765 Hz, बी 800 Hz, सी 838 Hz, सी 885 Hz, एंड द करेक्ट आंसर इज सी 838 Hz। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 eV, द एनर्जी नीडेड टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज ए 1.51 eV। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अ डिस्क इनिशियली एट रेस्ट इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, इट रोटेट्स एन एंगल थीटा इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, द डिस्क रोटेट्स थ्रू एन एंगल ए थीटा, बी 2 थीटा, सी 3 थीटा, फोर्थ डी 4 थीटा, एंड द करेक्ट आंसर इज सी 3 थीटा। क्वेश्चन नंबर 33, द टेंशन इन अ वायर इज डिक्रीज्ड बाय 19%, द परसेंटेज डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी विल बी ए 19%, बी 10%, सी 0.19%, डी नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज बी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12 फ्रिंजेज आर ऑब्टेन टू बी फॉर्म्ड इन द सर्टेन सेगमेंट ऑफ द स्क्रीन व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 nanometer is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, the number of fringes observed in the same segment of the screen is given by A 18, B 24, C 30, D 60, D 36, and the correct answer is option A 18. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट सेम एंगल थीटा, वन अप एंड अदर डाउन द प्लेन एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ईच पार्टिकल इज द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 m विथ एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड लूजेज 50% ऑफ इट्स एनर्जी इन कॉलिजन एंड रीबाउंड्स टू द सेम हाइट, द इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट इज, टेक जी इक्वल टू 10 m/s, ए ऑप्शन 20 m/s, बी 28 m/s, सी 10 m/s, डी 14 m/s, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज ए 20 m/s। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, टू मैन विथ वेट्स इन द रेशियो 4:3 रन अप अ स्टेयरकेस इन टाइम इन द रेशियो 12:11, द रेशियो ऑफ द पावर ऑफ द फर्स्ट टू दैट ऑफ सेकेंड इज ए 4/3, बी 12/11, सी 48/33, डी 11/9, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 11/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द रेडियस वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय वेक्टर 2i + 2j + k एंड 2i - 2j + k, दियर एंगुलर मोमेंटम इज ए 2i - 4j, बी 4i - 8k, सी 2i - 4j + 2k,
डी टू आई फोर आई माइनस एट जे एंड द करेक्ट आंसर इज बी फोर आई माइनस एट के क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस जेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट वुड बी ए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, सी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, डी इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द मैग्नेट मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज ए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन साइड अ स्टेशनरी लिफ्ट इज टी, द लिफ्ट एक्सलरेट्स अपवर्ड्स विद एन एक्सलेशन ऑफ जी बाई थ्री, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी ए रूट थ्री रूट टू टी, बी टी बाई रूट टू, सी रूट थ्री बाई टू टी, डी टी बाई थ्री एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी रूट थ्री बाई टू टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द डायमीटर ऑफ द लेंस ऑफ टेलीस्कोप इज 0.61 मीटर एंड द वेव लेंथ ऑफ लाइट यूज इज 5000 एंगस्ट्रॉम, द रिजोल्यूशन पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज ए 20 × 10^6, बी 10^6, सी 20 × 10^4, डी 2 × 10^2 एंड द करेक्ट आंसर इज बी 10^6। क्वेश्चन नंबर 42, अ वेसल कंटेन्स वाइल्ड ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सीसी ओवर मरकरी ऑफ डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सीसी, ओ होमोजीनस स्फेयर फ्लोट्स विद वन थर्ड ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज इन मरकरी एंड द रेस्ट इमर्ज इन वाइल्ड, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फेयर इन ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू ए 3.3, ऑप्शन बी 6.4, ऑप्शन सी 5.1, ऑप्शन डी 12.8 एंड करेक्ट आंसर इज सी 5.1। 43, अ रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब्स 2000 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम आइस ट्रेज इफ द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज 4, देन वर्क डन ऑफ द मोटर इज ए 2100 जूल, बी 4200 जूल, सी 8400 जूल, डी 500 जूल एंड द करेक्ट आंसर इज ए 2100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, 4c इक्वल टू ए एंड ए इज लेस देन बी इज लेस देन बी सी, द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी विल बी जीरो व्हेन एंड ए इक्वल टू बी, बी ऑप्शन ए इक्वल टू 3/5 बी, सी ए इक्वल टू 5/3 बी, डी ए इक्वल टू 1/3 बी एंड द करेक्ट आंसर इज सी ए इक्वल टू 5/3 बी एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर फिजिक्स इज 45, अ स्फेरिकली सिमेट्रिक ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैज अ मास रो इक्वल टू रो नॉट फोर आर लेस देन इक्वल टू आर कैपिटल आर एंड मास कैन अंडरगो सर्कुलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द पार्टिकल्स विथ फिगर रिप्रेजेंट्स इट्स स्पीड वी एंड फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर वेयर आर इज बिटवीन द इन्फाइनाइट एंड जीरो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिस्टम एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ग्राफ हियर इज बी। दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर वीडियो आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल टू रिसीव डेली अपडेट्स ऑफ NDA NEET mock test regularly and other trick videos of biology, thanks for watching.